अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि सब आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूनिट टू स्टार्ट हो चुका है और आज आपके इंग्लिश लिटरेचर का ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक यूनिट टू का है स्टोरी थ्री। स्टोरी थ्री में आपके पास है बुक पेज नंबर 10 वर्ड प्रैक्टिस, एंड सेकेंड वर्क है आपके पास रीड एंड एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 10 एंड 11, एंड होमवर्क इज वर्ब बुक पेज नंबर 10 वर्ड प्रैक्टिस वर्ब बुक पेज नंबर 28। ओके, इट इज़ योर रेडियन वे। रेडियन में आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक है। ओके, एंड इट इज़ योर वर्ब बुक, वर्ब बुक जिसमें आप काम करते हैं इंग्लिश लिटरेचर। ओके, ना ओपन रेडियन पे पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 ओपन करेंगे आप लोग। पेज नंबर 10 में आपके पास है वर्ड प्रैक्टिस। सबसे फर्स्ट तो आप लोग वर्ड प्रैक्टिस पढ़ेंगे। फास्ट, लास्ट, मस्ट, पास्ट, बेस्ट, नीस्ट, रेस्ट, वेस्ट, फिस्ट, लिस्ट, मिस्ट, फर्स्ट, डस्ट, जस्ट, मस्ट, स्टार, स्टेम, स्टेप, स्टिर, स्टॉप, स्टिल। अगेन विद स्पेलिंग, FAST फास्ट, LAST लास्ट, MAST मस्ट, PAST past, BEST best, NEST nest, REST rest, WEST west, FIST fist, LIST list, MIST mist, FIRST first, DUST dust, JUST just, MUST must, STAR star, STEM stem, STEP step, STIR stir, STOP stop, STILL still. See, look, good. See मतलब समंदर। एक सी होता है जिसे हम देखना बोलते हैं और ये सी वो है समंदर। Look मतलब देखना, good. Okay? Start reading. Will you run with me to the top of the big hill? विल को बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे टॉप ऑफ द बिग हिल, मतलब बड़ी पहाड़ की चोटी पर। सेड बॉब टू सैम एंड विल। बॉब ने किसको कहा? सैम एंड विल को। यस, सेड सैम, इफ वी गो टू द टॉप ऑफ द बिग हिल। यस मतलब हाँ, सेड सैम, सैम ने कहा हाँ, इफ वी गो टू द टॉप ऑफ द बिग हिल, और हम लोग वहाँ जाएंगे, वी कैन सी द सी, हम लोग वहाँ से क्या देखेंगे? समंदर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज, सैम रन बेस्ट। सैम जो है रन बहुत अच्छी तरह से मतलब चल रहा था। ही कैन रन फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था। विल एंड बॉब हैड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। विल और बॉब ने क्या किया? वो खड़े हो गए रेस्ट करने के लिए। लुक, देखो। सैड विल सी दैट गुल गो इन टू द इट्स नीड्स। लुक विल, सैड विल, विल ने क्या कहा? देखो, सी जो है, सी दैट गुल, गुल मतलब गुल कौन है? ये परिंदा है, ठीक है। ये कौन सा परिंदा होता है? जो पानी में रहता है, आबी परिंदा। देखो वो अपने घर की तरफ जा रहा है। दे कुड जस्ट सी द गुल बट दे डिड नॉट सी द नेस्ट फॉर द मिस्ट। उन्होंने गुल को तो देखा लेकिन उसके घर को नहीं देखा। आई मस्ट नॉट स्टॉप, मैं और नहीं रुक सकता। सैड बॉब एट लास्ट, आखिरी में बॉब ने कहा। आई मस्ट गो इन टू डू माई लेसन फॉर स्कूल, उसने कहा मैं नहीं रुक सकता, मुझे घर जाकर अपना स्कूल का होमवर्क और लेसन करना है। अगेन रीडिंग, विल यू रन विथ मी टू द टॉप ऑफ द बिग हिल? सैड बॉब टू सैम एंड जिल। यस, said Sam, if we go to the top of the big hill, we can see the sea. Sam ran best, Sam ran best, and he can run fast. Will and Bob had to stop for a rest. Look, said, we'll see that gull go into its nest. They could just see the gull, but they did not see the nest for the mist. I must not stop, said Bob at last. I must go in
टू डू माई लेसन फॉर स्कूल। आपको ये रीडिंग घर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको घर में डेली रीडिंग करनी ओके। नाउ योर होमवर्क इज वर्ड बुक पेज बुक पेज नंबर 10 वर्ड प्रैक्टिस एंड वर्ड बुक पेज नंबर 28। ओपन पेज नंबर 28, वर्ड बुक की पेज नंबर 28 ओपन करें और बुक की पेज नंबर 10। ओके, इट इज़ योर वर्ड बुक पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, डेट मेंशन करनी है और डे। अब आपको क्या करना है, वर्ड प्रैक्टिस लिखने हैं। ये आपके पास वर्ड प्रैक्टिस दिए गए हैं बुक में ओके। आपको ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखने हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किए हैं आपको पूरे लिखने स्टिल तक, ठीक है। जिस तरह मैंने बिल्कुल सफाई से और लाइन से लिखा है आपने भी वैसे ही काम करना है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।